शांति। आज की तारीख है 13/3/21 और आज की ज्ञान मुरली में एक राज की बात बाबा बताते हैं कि यदि हमको भविष्य में नई दुनिया जो स्थापन हो रही है, यदि उच्च पद उसमें पाना है तो हमें क्या करना होगा, अभी क्या करना होगा। आइए सुनते हैं क्या करना होगा। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो ध्यान से सुनो सभी, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल यानी बच्चे, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है यानी चिंता रहती है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। बाप की सर्विस माना दुख हरना, सुख देना, पतितों को पावन बनाना आदि आदि। तो बाबा कहते पूरा वफादार फरमान बरदार बनते हैं, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। नंबर दो, श्री मत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो, आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो, हरेक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो, तब अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्वपरिवर्तन करो। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।